नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय नौसेना ने स्टिल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापट्टनम से स्वदेशी MRSAM का सफल परीक्षण किया। जी हां दोस्तों, अधिकारियों ने कहा कि भारतीय नौसेना ने 7 मार्च को फ्रंटलाइन युद्ध पोत INS विशाखापट्टनम से एक मीडियम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली MRSAM का सफल परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि परीक्षण फायरिंग ने हथियार को जहाज एंटी मिसाइल के एंटी शिप के रूप में संलग्न करने की क्षमता को मान्य किया। MRSAM को संयुक्त रूप से रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरिटी ऑफ इंडिया IAI द्वारा विकसित किया गया है और भारत डायनोमिक्स लिमिटेड BDL में निर्मित किया गया है, जो कि आत्मनिर्भर भारत के प्रति नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा, इंडियन नेवी ने INS विशाखापट्टनम से सफलतापूर्वक MRSAM फायरिंग की, जिसने एंटी शिप मिसाइलों को संलग्न करने की क्षमता का सत्यापन हुआ। MRSAM DRDO इंडिया और IAI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित और BDL में निर्मित आत्मनिर्भर भारत के प्रति इंडियन नेवी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। MRSAM का उत्पादन राज्य द्वारा संचालित भारत डायनोमिक्स लिमिटेड में किया जाएगा। दोस्तों, इसको बराक भी कहते हैं और इसराइल और भारत द्वारा जॉइंट वेंचर करके इस मिसाइल का निर्माण किया गया है। दोस्तों, इसराइल की IAI और भारत की DRDO ने मिलकर इस मिसाइल पर काम किया है और इस मिसाइल का सफलतापूर्वक निर्माण किया है। दोस्तों, MRSAM मिसाइल पूरी तरह से भारत में निर्मित है। इसके निर्माण के साथ ही देश आत्मनिर्भर की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। एक बार लॉन्च हो जाने के बाद MRSAM आसमान से सीधे 16 किलोमीटर तक टारगेट को गिरा सकती है। दोस्तों, भारतीय नौसेना की समुद्र की ओर ताकत बढ़ गई है। जी हां, नेवी के INS विशाखापट्टनम से मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण के दौरान MRSAM ने टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगाया। MRSAM एक एंटी शिप मिसाइल है जो दुश्मन के जहाजों को 1, 2 और 3 गिनते ही मार गिराएगी। मिसाइल पूरी तरह से भारत में निर्मित है। इसके निर्माण के साथ ही देश आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ गया है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और इसराइली एरोस्पेस IAI ने मिलकर BDL हैदराबाद में विकसित किया है। परीक्षण के विवरण को साझा करते हुए भारतीय नौसेना ने कहा, MRSAM को DRDO और IAI द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। BDL में उत्पादित भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भर भारत के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। MRSAM को सितंबर 2021 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। यह मिसाइल हवा में एक साथ आने वाले कई टारगेट या दुश्मनों को 360 डिग्री घूमकर एक साथ हमला कर सकती है। मिसाइल 100 किलोमीटर के दायरे में आने वाली किसी भी मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, निगरानी विमानों और हवाई दुश्मनों को मार गिराने में माहिर है। दुश्मन की सही जानकारी के लिए इसमें कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम, राडार सिस्टम, मोबाइल लॉन्चर सिस्टम, एडवांस लॉन्ग रेंज राडार, रीलोडर व्हीकल और फील्ड सर्विस व्हीकल आदि शामिल किया गया है। दोस्तों, MRSAM इसराइल की खतरनाक मिसाइल बराकेट पर आधारित है। यह मिसाइल लॉन्च होने के बाद धुआं कम छोड़ती है। एक बार लॉन्च होने के बाद MRSAM आसमान से सीधे 16 किलोमीटर तक टारगेट को गिरा सकती है। अगर रेंज की बात करें तो यह आधा किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की इसकी रफ्तार 680 मीटर प्रति सेकंड यानी 2448 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका वजन लगभग 275 किलोग्राम है। हमें उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं के साथ साथ पूरे समुद्र तट पर लगातार निगरानी रखनी होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को नौसेना के कमांडर से यह बात की है। उन्होंने कहा कि हमें भविष्य की सभी चुनौतियों से निपटने का तैयार रहने की जरूरत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 6 मार्च को भारत के पहले स्वदेशी विमानवाहक INS विक्रांत पर आयोजित नौसेना कमांडर के सम्मेलन के दौरान भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा, अगले 5 से 10 वर्षों में रक्षा क्षेत्र के माध्यम से 100 बिलियन से अधिक के ऑर्डर दिए जाने की उम्मीद है और यह देश के आर्थिक विकास का एक प्रमुख भागीदार बन जाएगा। आज हमारा रक्षा क्षेत्र रनवे पर है, जल्द ही यह उड़ान भरेगा तो यह देश की अर्थव्यवस्था को बदल देगा। अगर हम अमृतकाल के अंत तक भारत को दुनिया की शीर्ष आर्थिक शक्तियों को देखना चाहते हैं तो हमें रक्षा महाशक्ति बनने की दिशा में कदम उठाने की जरूरत है। दोस्तों, ये बिल्कुल सही कहा है और इस तरह की मिसाइल भारत को सुपर पावर बनने में सहयोग प्रदान करेगी। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि छोटी छोटी मिसाइलें भारत को कैसे सुपर पावर बना सकती है। दोस्तों, एक कदम बढ़ा के ही मंजिल को पूरा किया जा सकता है और ऐसी छोटी छोटी मिसाइलों से ही भारत एक संपूर्ण सशक्ति बनेगा। और दोस्तों, अभी तो भारत के पास MBDA मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको पूरी तरह से एयर डिफेंस सिस्टम से भारत को संयुक्त किया जाएगा और भारत को एयर डिफेंस सिस्टम से पूरा लॉक कर दिया जाएगा ताकि भारत में परिंदा भी पर नहीं मार सके। और दोस्तों, दुश्मन से आने वाली मिसाइलों, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, किसी भी चीज़ को मार के गिरा दी जाएगी। दोस्तों, यह एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया का सबसे खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम होगा और इसकी रेंज 5000 किलोमीटर तक होगी। दोस्तों, 100 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक की रेंज होगी और यह एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया में इतना खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम किसी का नहीं होगा।
यहाँ तक S-400 S-500 भी कहीं टच नहीं होगा। दोस्तों इसको मिलाकर ही सभी एयर डिफेंस सिस्टम को मिलाकर एक संपूर्ण शील्ड बनाई जाएगी। वो शील्ड भारत को संपूर्ण ताकत प्रदान करेगी और भारत को आगे किसी भी टू फ्रंट वार की लड़ाई को लड़ने में सहयोग प्रदान करेगी, ताकि भारत में घुसने से पहले कोई भी दुश्मन 10 बार सोचे। दोस्तों आपकी क्या राय है? आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।